नमस्कार। तो मेरा नाम सुमित दत्त है, चेयरमैन टूर्नामेंट कमेटी आईपा। आईपा जो है इंडिया की गवर्निंग बॉडी है पिकल बॉल की। पिकल बॉल एक स्पोर्ट है जो टेबल टेनिस, टेनिस एंड बैडमिंटन का मिक्सचर है। तो ये एक हाइब्रिड गेम है जो एक तीन पुरानी गेम्स को मिक्स करके एक नया कॉम्बिनेशन क्रिएट किया है। इस गेम की सबसे बड़ी पावर ये है कि ये सोशली सबको जोड़ती है। 8 साल से लेके 80 ईयर्स की एक ही टीम में दोनों प्लेयर खेल रहे हैं। बच्चा भी खेल रहा है और ग्रैंडफादर भी खेल रहा है, मदर भी खेल रही है, डॉटर भी खेल रही है। तो वर्ल्ड की जो नंबर वन टीम है फीमेल्स की, वो मदर और डॉटर की है, माँ और बेटी है। एमिली वाटरली और उसकी मदर वर्ल्ड के नंबर वन चैंपियंस हैं। आज तक किसी स्पोर्ट में ये नहीं हुआ कि मदर और डॉटर एक ही टीम में खेल रहे हैं, और ऐसे ही ग्रैंड पेरेंट्स ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ टीम्स बना के खेल रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोशली जो आज गैप है हमारा सोशल मीडिया और फोन्स की वजह से, ये गेम उस गैप को ख़त्म करती है। ये फैमिलीज को साथ लेके आ रही है, कम्युनिटीज को साथ लेके आ रही है, और ऑल एज ग्रुप, ऑल सेक्सेस, मेल फीमेल, ओल्ड एज यंग एज। तो ये सबसे बड़ी जो पावर पिकल बॉल की है, ये सोशली आज की रेलिवेंस गेम है। इसीलिए इट्स वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोन गेम। इतनी फास्ट ग्रोथ किसी भी गेम की आज तक हिस्ट्री में नहीं हुई है, किसी भी गेम की। आप पूरी हिस्ट्री निकाल के देखें, और उसका दूसरा जो रिकॉर्ड बन रहा है कि इतनी फास्ट किसी कंट्री में भी नहीं हुई है जितनी इंडिया में हो रही है। आफ्टर US अगर ग्रोथ, लास्ट जब हम मिले थे तो हमने पिकल बॉल की, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, इनके साथ ही मैंने पहली बार पिकल बॉल मैंशन किया था। यहाँ से ही पूरी स्टोरी शुरू हुई थी, एंड आई एम सो हैप्पी टू सी हिम ओवर हियर टुडे। एंड एक साल बहुत मेहनत की है सब लोगों ने, पूरी टीम ने एक एसोसिएशन क्रिएट की है। तो कमिंग बैक कि आई फील कि एरियाज लाइक दिस हैज़ ए ह्यूज पोटेंशियल। हमारे यूथ में बहुत पोटेंशियल है, हमारी पूरी सिंधुदुर्ग में, पूरा एरियाज में, और एज ही मैंशन कि गोवा में बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है पिकल बॉल की। उसका पूरा बेनिफिट सिंधुदुर्ग को मिल सकता है, बिकॉज गोवा एक इंटरनेशनल हब बनने वाला है पिकल बॉल का, बिकॉज ऑनरेबल CM हिमसेल्फ इज इन्वॉल्व पुशिंग एंड प्रमोटिंग द पिकल बॉल। तो उसकी वजह से ऑलरेडी हमारा जो टैलेंट है, और हमारे जो प्रेजिडेंट हैं ऑफ आईपा मिस्टर अरविंद प्रभु, ही इज़ नॉट ओनली प्रेजिडेंट ऑफ ऑल इंडिया पिकल बॉल एसोसिएशन, ही इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल पिकल बॉल एसोसिएशन ऑल्सो। फर्स्ट इंडियन हु हैज़ अराउंड 90 कंट्रीज अंडर हिम, 90 कंट्री के वो प्रेजिडेंट हैं। तो बेसिकली अगर आज हमको एक टैलेंट यहाँ पे मिलता है, एक अच्छा प्लेयर यहाँ मिलता है, उसको हमको न्यूयॉर्क तक लेके जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको नेशनल खिला के इंटरनेशनल लेके जाना, वो पूरा ट्रैक रेडी है हमारे लिए, हमको सिर्फ टैलेंट ग्रो करना है यहाँ पे। और इट्स अ वंडरफुल टीम ओवर हियर, वंडरफुल सपोर्ट सिस्टम, सच अ यूथ आइकन इज पार्ट ऑफ दिस होल एसोसिएशन। आई थिंक ये बहुत बड़ा एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, एक बहुत ही अच्छी बिगनिंग है ये। तो कमिंग बैक टू पिकल बॉल ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स इसलिए हैं, ए इट्स अ वेरी लाइट गेम एज ही मैंशनड। तो इसके इन अवर टर्मिनोलॉजी हम ये बोलते हैं कि ईजी टू स्टार्ट एंड हार्ड टू मास्टर। आप जैसे ही इसका पेडल पकड़ेंगे, पेडल एक टेबल टेनिस जैसा पेडल रहता है इसका, आपको लगेगा कि 5 मिनट के अंदर आप इसके चैंपियन बन गए हो, इतनी ईजी है। लेकिन जब आप कॉम्पिटिशन में जाओगे तो वो उस बॉल को कंट्रोल करना, जो एक प्लास्टिक का बॉल है, यू नीड टू बी ए मास्टर। तो जो कैरेक्टरिस्टिक क्रिकेट के हैं कि आपने एक बैट बॉल ले लिया, आप किधर भी खेल सकते हैं, और 2 मिनट बाद आपने हिट मारा तो आपको लगा आपको क्रिकेट आ गई, लेकिन जब पिच के ऊपर जब स्विंग आएगा ना, तब पता चलता है बॉल क्या होता है। तो सेम पावर जो है वो पिकल बॉल की है। इसको लिविंग रूम से लेके कोर्ट तक हर आदमी खेल सकता है, ये इजीली लिविंग रूम गेम है। इंटीरियर्स में भी खेली जाती है, बिकॉज इसका बॉल कोई चीज़ भी डैमेज नहीं करता, कोई भी बच्चे को चोट नहीं लग सकती है, और ये इजीली अडेप्टेबल है किसी भी सरफेस के ऊपर। सो इसका एक फास्ट ग्रोथ का रीज़न भी ये है कि अडेप्टेबिलिटी बहुत ईजी है इसकी। बाकी गेम्स के लिए कोर्ट्स चाहिए, नेट्स चाहिए, वो सब पूरा का पूरा सेटअप चाहिए। उसके बाद आपको एक एथलेटिक बॉडी चाहिए जो पिकल बॉल में रिक्वायर्ड नहीं है। पिकल बॉल एक माइंड गेम है, एज आई सेड कि बहुत लाइट गेम है, बट जब आपको मास्टर करना है तब आपको माइंड के साथ खेलना है। तो ये पिकल बॉल के हिडन स्ट्रेंथ्स हैं
जिसकी वजह से पिकल बॉल इतना ग्रो हो रहा है। तो अब कमिंग बैक कि जब हम लास्ट टाइम मिले थे तब हमारे पास आईपा में 10,000 रजिस्टर्ड प्लेयर थे, आज जब हम यहां बैठे हैं वी आर ऑलमोस्ट ऑन सिटिंग ऑन 1 लाख प्लेयर इन अ ईयर, और ये अगले साल 10x होने वाला है, और उसके अगले साल भी ये 10x होएगा। तो आप सोच रहे हो द ग्रोथ इन इंडिया ऑफ पिकल बॉल गोइंग टू बी मैसिव। तो आप लोग फर्स्ट पीपल होंगे, फर्स्ट लोग हैं, फर्स्ट मीडिया है जो इस एरिया में लोगों को पिकल बॉल के बारे में अवेयर करने जा रहा है, जो एक बहुत बड़ा सेटअप क्रिएट होगा। आपके पास बहुत स्ट्रांग टीम है, यहाँ पे बहुत सारा टैलेंट है, अनएक्सप्लोर्ड टैलेंट है, और जब आप लोगों को आज की डेट में एक सिंपल टीजर दोगे कि पिकल बॉल आने वाला है और पिकल बॉल ऐसा होता है और पिकल बॉल इसलिए रेलेवेंट है, उसके बाद जब एक प्रॉपर लॉन्च होगा उसमें पता चलेगा कि पिकल बॉल का ग्रेंजर क्या है। आज पूरा हॉलीवुड पिकल बॉल खेलता है, आज आप अमेरिका चले जाओ आपको हर गार्डन में पिकल बॉल मिलेगा। अमेरिका गॉन क्रेजी, अमेरिका में न्यूयॉर्क के हार्ट ऑफ न्यूयॉर्क में अगर आपके पास एक क्रॉसिंग भी खाली है ना, उधर भी लोग पिकल बॉल खेलते मिल जाएंगे आप। इज दैट काइंड ऑफ अ ग्रोथ ओवर देयर। और यूएस के बाद सेकेंड बिगेस्ट मार्केट गोइंग टू बी इंडिया। आज इंडिया में भी बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत सारे टॉप मीडिया हाउसेस, इनफैक्ट टाइम्स ऑफ इंडिया इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ पिकल बॉल, सो दे आर ऑलरेडी कमिंग अप विद द टूर्नामेंट्स। सो देर आर लॉट ऑफ मीडिया हाउसेज, देर आर लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हाउसेज आर ऑलरेडी जम्प्ड इनटू द दिस बैंडवैगन। अब एक बहुत सिंपल सी बात है कि हर चीज की जो स्पोर्ट की स्पेशली जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट होते हैं उसकी स्पॉन्सरशिप फैक्टर होता है। स्पॉन्सरशिप कब आती है? जब लोग उस चीज को पहचानना शुरू हो जाते हैं, तो ब्रांड वॉन्ट टू राइड ऑन यू, ब्रांड आपके ऊपर चढ़ के लोगों तक पहुंचना चाहता है। आज ITC का ब्रांड बिंगो इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ पिकल बॉल। ITC अगर कुछ रिकग्नाइज कर रहा है तो उसके पीछे बहुत बड़ी एक रिसर्च होती है, उसके पीछे बहुत बड़ी स्टडी होती है, देन दे विल पुट द हैंड ऑन इट कि कौन सी नई चीज आने वाली है। आज स्केचेस ऑलरेडी पार्ट ऑफ ऑल इंडिया पिकल बॉल एसोसिएशन का पार्ट है, जो हर टूर्नामेंट ग्लोबली जितने टूर्नामेंट खेले जा रहे हैं उसके अंदर स्केचर इज अवर पार्टनर। सो ये अपने आप में प्रूफ है कि इसका मोनिटाइजेशन करेक्ट हो चुका है, इसका एक मॉडल प्रोफेशनल मॉडल बन चुका है, इसलिए इसकी ग्रोथ को अब कोई रोक नहीं सकता। सो दैट इज द अदर फैक्टर कि वाई पिकल बॉल गोइंग टू ग्रो वेरी वेरी बिग। कमिंग बैक टू सिंधुदुर्ग, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास जितना अगर यूथ इस टाइम के ऊपर उनके पास अगर कोई एक्टिविटी नहीं है, और जैसे ही उनको ये अवेयरनेस होगी इट्स एडेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इजी होने वाली है। सेकंड, उनको पूरा का पूरा एसोसिएशन की तरफ से बैकिंग मिलने वाला है। सेकंड, द ग्राउंड टीम इज वेरी वेरी स्ट्रांग, तो मेरे को कोई डाउट नहीं है एंड आई पर्सनली विल बी पुटिंग ऑल माई एफर्ट एंड ऑल माई सपोर्ट टू द एसोसिएशन ओवर हियर टू बिल्ड द टैलेंट दैट विच कैन टेक टू द ग्लोब। कल को हमारे पास यहाँ पे ग्लोबल स्टार्स होंगे तो इट विल बी अ मोमेंट फॉर प्राउड फॉर ऑल ऑफ अस। सो ऑन दिस नोट आई विल से थैंक यू वेरी मच।